हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी क्लास सिक्स आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 23.2 का पार्ट टू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, द प्रोडक्शन ऑफ सेलेबल स्टील इन सम ऑफ स्टील प्लांट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 99 इज गिवन बिलो। कहता है 1999 में हमारे देश के अंदर जो स्टील बना है ना, वो कौन से प्लांट में कितना बना है। जैसे सारे प्लांट के नाम हैं, भिलाई 160, दुर्गापुर 80, राउरकेला 200 और बोकारो 150। ठीक है, ये थाउजेंड्स में है सारे। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउ डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर यूजिंग द स्केल 1 बिग डिवीजन 20,000 टन। कहता है हमें एक जो वो 20,000 लेना है और बार ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर। तो हम एक ग्राफ ले लेते हैं, इस तरीके से हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया हुआ, जैसे प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ये हम इस साइड लिखते हैं वाई एक्सिस पे, और प्लांट दिया हुआ तो वो हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इसमें इस तरीके से यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से एक लाइन ऊपर और एक लाइन इधर आएगी। इस ये होता है हमारा इस साइड वाला स्केल, इसको हम लिखते हैं जैसे 20 बोला था ना उसने, 20, 40, 60, 80, और ये हमें वहाँ तक लेके जाना जहाँ तक हमारे नंबर हैं या उससे आगे भी। ठीक है, बस इतना सा कि आपके नंबर तक नंबर ना रह जाए, नंबर से आगे आप एक दो आगे ले सकते हैं। और ये इधर जाना है, इसको लिखते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको लिखते हैं उधर वाले को लिखते हैं हम वाई। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा प्लांट क्या दिया हुआ है, भिलाई 160। तो हम स्केल लेंगे, 160 हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, भिलाई। इसके नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर भिलाई, इन सब के नीचे यहाँ पर क्या लिख देना है, प्लांट्स। ठीक है, और इधर हमें क्या लिख देना है, इधर लिख देना हमें प्रोडक्शन। ठीक है, सीमेंट का प्रोडक्शन इस तरह से। तो नेक्स्ट है दुर्गापुर 80, तो हम 80 देखो कहाँ है, ये हमारा 80 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 80 दुर्गापुर। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको और नीचे इसके नाम लिख देंगे इस तरह से, दुर्गापुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है राउरकेला 200। तो राउरकेला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 200 देखेंगे कहाँ तक है, ये रहा हमारा 200, यहाँ तक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया हमारा राउरकेला, यहाँ पर लिख देंगे हम राउरकेला। उसके बाद हमारा आता है बोकारो 150, तो बोकारो को भी रिप्रेजेंट कर देंगे 150। ये देखो 160 है, 150 इसके बीच में होगा यहाँ पर आधा, तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बोकारो। ये हो गया हमारा आधा बोकारो, देखो ये 160 और 140 के बीच में आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा बोकारो। तो हमें चार ही प्लांट दिए हुए थे, चार हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिए। ये देखो भिलाई 160, सेकेंड जो है दुर्गापुर 80, थर्ड बोकारो सॉरी राउरकेला 200, ये देखो 200 तक, और नेक्स्ट बोकारो 150। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड विद एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ड्यूरिंग 1995 to 2000। कहता 1995 से 2000 के बीच कितने एप्लीकेंट्स जो उन्होंने रजिस्टर करवाया है एम्प्लॉयमेंट किसी जॉब के लिए, उनका डाटा दिया हुआ है। जैसे 1995 को 18, 1996 को 20 लोगों ने, इस तरह से। कहता है कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब इसने ये नहीं बोला कि हमें कितना डिवीज़न लेना है, तो हम चाहे तो इनको 2 में लें, 1 में लें, 5 में लें, 10 में लें, किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 में लेते हैं। तो हम इसका इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अब 5 में इस तरह से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इधर इधर जो है वो एक्स एक्सिस लेनी है, ये हमारे इधर वाई एक्सिस है। इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे अपने ईयर। ठीक है, इधर क्या लिखे जाएंगे, ईयर, और इधर क्या लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। ये आपको लिखने हैं सारी चीज़ें, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स।
ठीक है। अब जैसे देखो फर्स्ट है 1995 में 18, तो 18 देखने हमने, ये 15 15 16 17 18 यहाँ पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया हमारा 1895 में, ठीक है। दूसरा हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 1996 में 20, तो हम 20 कैसे लेंगे, ये हमारे पास 20 तो पूरा ही आ रहा है, तो हम 20 को पूरा ही लिख लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा 20 का रिप्रेजेंटेशन 1996 में। नेक्स्ट 1997 24, तो ये 25 से एक दो बॉक्स छोड़ के यहाँ तक, इस तरह से ये हो गया हमारे पास 24 1997। 1998 28, तो 1998 में हम 28 दिखाएंगे। देखो 30 से दो कम, यानी चार बॉक्स छोड़ के यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास 28। ये 28 हो गया 1998। नेक्स्ट 1999 30 हमारे पास ये हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 30 इस तरीके से 1999। अब 2000 में 34, तो 2000 का हमारा देखो 30 35, इससे एक छोड़ के यानी इससे एक पहले, ये हो गया हमारा 34। दो दो बॉक्स हमें, दो बॉक्स को जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू बॉक्स फॉर वन नंबर, ये हो गया हमारा 2000। और इस तरीके से ये हमारा जो ग्राफ है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। 1995 1996 7 8 9 और 2000, ठीक है। ये हो गया, आप चाहे तो इसको ऐसे शेड भी कर सकते हैं कंप्लीट ग्राफ को, और अगर नहीं चाहे तो एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। शेड करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फॉलोइंग टेबल्स गिव द रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज इन सेम ईयर। कुछ सालों में ना जो वो इंडियन रेलवे के रूट्स दिए गए हैं, ये कहता है रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ, यानी हमें ये डाटा जो वो किस पे ड्रॉ करना है, बार ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अब बार ग्राफ पे ड्रॉ करने में हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो ये सारे 56 आ रहा है, 61 74 98 अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम 10 का गैप ले लेंगे। अब देखो हम इस तरह से अपना ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर लेंगे हम एक्स एक्सिस, देखो यहाँ से इस तरह से 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, ठीक है। और इधर लेंगे हम एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना है, देखो ये ईयर रखना है और इधर रूट लेंथ रखनी है, तो ये इधर लिखेंगे हम ईयर्स और इधर लिखेंगे अपनी रूट लेंथ, ठीक है। अब देखो ईयर 1995 में 56, तो 56 देखते हैं हम कहाँ तक हैं। अब एक बॉक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया हमारा 50 55 और 56, इससे एक ऊपर तक, तो ये 55 56 यहाँ तक, तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको इस तरह से। ये बिल्कुल 55 से एक ब्लॉक ऊपर तक है, तो ये कौन सा ईयर हमारा 1960 61, हम यहाँ लिखेंगे 1960 61। नेक्स्ट आता है 60, तो नेक्स्ट तो 60 तो कंप्लीट है, तो 60 तो हम इजीली कर लेंगे। ये हो गया हमारा 60 बार ग्राफ, 60 वाला बार ग्राफ बिल्कुल 60 पे। ये हो गया 1970 70 to 71, ठीक है। उसके बाद आता है 61, तो नेक्स्ट तो इससे एक ब्लॉक ऊपर लेना हमने, हल्का सा चेंज आएगा इसमें, ये देखो बिल्कुल एक ब्लॉक ऊपर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1980 to 81, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 74, तो 74 हमारा कहाँ आ जाएगा, 70 75 यहाँ आधा, इससे एक पहले, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 74 यहाँ तक,
ये देखो बिल्कुल ये जो लाइन है ना ये बीच वाली, इससे एक ब्लॉक छोड़ के ये 74 हो गया, ये हो गया 1990 to 1991। अब देखो नेक्स्ट आता है 98 2000 to 2001, तो 98 कहाँ होगा, ये 1900 के आसपास होगा, तो इससे दो बॉक्स छोड़ के, दो बॉक्स छोड़ के इस तरह से। ये हमने दो बॉक्स यहाँ छोड़ दिए, ठीक है, ये बिल्कुल दो बॉक्स छोड़े गए, तो ये कौन सा हो गया हमारा 2000 to 2001, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ यहाँ हो गया कंप्लीट, यहाँ ईयर्स लिख दिया हमने, इस साइड लिख दिया रूट लेंथ, और यहाँ पर हमारा बार ग्राफ होता है बिल्कुल कंप्लीट 100 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग डाटा गिव्स द अमाउंट ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक ड्यूरिंग सम ईयर्स। कहता है कि बैंक ने जो लोन दिया है ना अलग अलग सालों में, वो इस तरह से है। फर्स्ट कहता है रिप्रेजेंट द डाटा अबव डाटा विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। हमें डाटा रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की हेल्प से, तो हम डाटा रिप्रेजेंट कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एक बार ग्राफ ले लेते हैं यहाँ 100 तक, इस तरीके से 10-10 का गैप, यहाँ 0। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना, देखो 1992 में 28, ये देखो यहाँ पे 1992 में 28। तो सबसे पहले हम अपना 28 लेते हैं, ये देखो 2030 यानी 28 इससे दो बॉक्स छोड़ के, तो दो बॉक्स इस तरह से छोड़ देंगे हम। इस तरीके से दो बॉक्स, ये देखो ऊपर दो बॉक्स छोड़ दिए, 28 हो गया। ईयर है हमारा 1992, तो 1992 लिख देंगे। नीचे क्या लिखना है, हमने ईयर्स लिखना है यहाँ पे, और इधर क्या लिखना है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बाय बैंक, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा, 1993 33, तो 33 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 30 से थ्री बॉक्सेस काउंट ऊपर, 1 2 3, यानी यहाँ तक, यानी कि इससे ऊपर दो बॉक्स छोड़ देने हमने 35 से पहले, तो 33 हो गया हमारा, ये 1993 में हो गया। नेक्स्ट 1994 में 55, तो देखो ये 50 हो गया हमारा, ये इससे आधा आगे आधा और लेना है, 55 हो जाएगा ये, इस तरह से हमारा 55 हो जाएगा 1994। 1995 में भी 55 लेना है तो सेम बन जाएगा, देखो 1995 ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर 1996 में 80 लेना है, तो 1996 में 80 कैसे लेंगे, देखो 80 यहाँ है, तो हम यहाँ तक लेके जाएंगे इसको इस तरह से, ये हो गया हमारा 1996। तो इस तरीके से हमारा बार ग्राफ जो वो रेडी है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से सारे ग्राफ्स के अंदर है, ये चाहो तो इनको आप इस तरीके से फिल कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो बेशक से ऐसे ही छोड़ सकते हो, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका ग्राफ सुंदर दिखेगा, तो इसलिए आप इसमें ऐसे कलर कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ये देखो इसमें सेकेंड पार्ट क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ इंडिकेट द ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ लोन इज़ नॉट इंक्रीज्ड ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। कहता है बार ग्राफ की हेल्प से वो ईयर बताओ जिसमें जो लोन का अमाउंट है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है उसके पिछले साल से। तो ये देखो किस में इंक्रीज़ नहीं हुआ है, अब ये देखो यहाँ पर दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब 1995 में इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ईयर 1995। तो हम इसके नीचे लिख देंगे इसका आंसर, ईयर 1995। और ये था हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड। जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।